हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइकी। मध्य प्रदेश की दोस्तों एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुकी है। यहाँ पर आपको ये अपडेट रहने वाली है आईसीटी लैब के संबंध में। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि 2023 में कंप्यूटर स्ट्रेटेजी दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के समस्त स्कूलों में निकाली गई थी भर्ती, ठीक है। तो संबंध में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चलिए चलते हैं पहले पोर्टल पर और देख लेते हैं कहाँ से करना आपको लिस्ट डाउनलोड, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल कर लें यहाँ पे सब्सक्राइब और वीडियो करते हैं लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं पोर्टल पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है पोर्टल पर, यहाँ पर लिखना है MP, ठीक है, ITC स्कूल, SCH स्कूल, ठीक है। ये करोगे सर्च करोगे, जैसे ही आप लोग सर्च करोगे इसकी जो फर्स्ट लिंक वो दोस्तों हमारे सामने जाएगी बेमर्स पोर्टल की, ठीक है। इस पर मुझे जाना पड़ेगा बेमर्स पे, तो मैं जैसे ही दोस्तों यहाँ पे जाऊंगा बेमर्स पर, जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है, ये मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे सामने इसका पोर्टल ओपन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसके जो नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा और इसकी जो लिस्ट है दोस्तों वो मिल जाएगी आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। लिस्ट इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा इसका जो नोटिफिकेशन है वो मेरे सामने यहाँ पर दोस्तों लिस्ट का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है यहाँ पे। चलिए हमने कर ली दोस्तों डाउनलोड और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। दोस्तों ये रहेगी लिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट रहने वाली, मतलब पूरी लिस्ट है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की। आप देखिए आगर मालवा की रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका अलीराजपुर की रहने वाली है, यहाँ पर आप लोग जाओगे, ठीक है, जितने भी समझ स्कूल अलीराजपुर में, ठीक है, यहाँ पर जाओगे। अनूपपुर की रहेगी आपकी, रहेगी अशोकनगर की, यहाँ पर रहेगी बालाघाट की, ठीक है, और यहाँ पे आपकी बालाघाट, बालाघाट, ठीक है, बड़वानी रहेगी, बैतूल रहेगी, ठीक है, यहाँ पे भिंड आ गए, ठीक है, भोपाल आ गए, ठीक है। इसके पश्चात आपका बुरहानपुर आ गया, छिंदवाड़ा आ गया, ठीक है, छतरपुर आ गया, दोस्तों यहाँ पर जाओगे। इसके पश्चात छिंदवाड़ा, छतरपुर, ठीक है, यहाँ पे दमोह आ गया आपका, दमोह और दतिया, देवास, ठीक है, यहाँ पर धार, और इसके बाद डिंडोरी आ गया, गुना आ गया आपका, ग्वालियर आ गया, ठीक है, हरदा आ गया, नर्मदापुरम आ गया, यहाँ पे इंदौर आ गया आपका, जबलपुर आ गया, ठीक है, झाबुआ आ गया, ठीक है, कटनी आ गया आपका, यहाँ पर जाओगे आप, खंडवा आ गया, ठीक है, खंडवा, खंडवा, और यहाँ पे आपके मंडला आ गया, खरगोन आ गया, ठीक है, मंडला, ठीक है। इसके बाद मंदसौर आ गया, ठीक है, यहाँ पर मुरैना आ गया, नर्मदापुरम आ गया, ठीक है, नरसिंहपुर आ गया आपका, नीमच आ गया, ठीक है, ये निवाड़ी आ गया, ठीक है, पन्ना आ गया आपका, पन्ना और रायसेन आ गया, ठीक है, आपका राजगढ़ आ गया, और यहाँ पर रतलाम आ गया, रीवा आ गया, ठीक है। इसके पश्चात सागर है आपका, ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे तो ये आपका सीहोर है, ठीक है, यहाँ पर सीओनी है, ठीक है, आपका शहडोल है, यहाँ पर जाओगे शाजापुर है आपका, शिवपुर है, ठीक है, शिवपुरी है, सीधी है, ठीक है, यहाँ पर सिंगरौली है आपका, टीकमगढ़ है, ठीक है, उज्जैन आपका रहने वाला है, उज्जैन रहेगा, उमरिया रहेगा, ठीक है, विदिशा रहेगा आपका, ठीक है, और ये रहेगा विदिशा, ठीक है, लास्ट में आप आओगे तो ये रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 33 पेजों की लिस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब आपको पता है दोस्तों 2023 में दोस्तों यहाँ पर जो आईटीसी लैब है दोस्तों वो बन रही थी और कुछ बन चुकी थी, जिनमें दोस्तों भर्ती हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों 2024 में जो बन रही थी वो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अब 2024 में दोस्तों भर्ती होनी है, बहुत जल्द भर्ती यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं क्या रहने वाली क्वालिफिकेशन। अब देखिए मेन बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SS2 IT स्कोर कार्ड हेतु आवेदक के पास निम्न योग्यता होनी चाहिए, क्या VE क्या हो आपने, CE ITEC, या BSc क्या हो कंप्यूटर साइंस है, या आपने BC क्या हो कंप्यूटर साइंस में आप लोग, या तो स्नातक हो, ठीक है, इनमें से किसी एक भी होगा आप लोगों के पास, ठीक है, तो आप लोग इसमें SS2 का जो रहेगा स्कोर कार्ड वो आप बनवा पाएंगे स्कूल में जाकर, ठीक है। मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अतिथि शिक्षक पोर्टल पर और स्कूल में आप लोगों के लिए बनाया जाएगा सेंटर, वहां पर दोस्तों आप लोगों को करवाना पड़ेगा वेरिफिकेशन 2 का भी वहां पर, ठीक है। इसके बाद आपका जो SS2 का जो रहेगा आपका सर्टिफिकेट वो दोस्तों यहाँ पे आपको जनरेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहेगी मैं सच्चा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2024 दोस्तों ये रहेगा जो लेटर है, ये रहेगा 2023 का लेटर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे मांग गया था कि आप लोगों के लिए जो GMS पोर्टल है वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके पश्चात आप लोगों को यहाँ पे और जो आपका मानदेय वो भी दोस्तों यहाँ पे आपको दिया जाएगा, मानदेय भी आपको यहाँ बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो भर्ती है दोस्तों 2024 में दोस्तों बहुत जल्दी इसकी जो भर्ती है वो आने वाली है, ठीक है, यहाँ पर। और इन्होंने बताया था कि आईटीसी स्कूल अंतर्गत स्थापित कंप्यूटर लैब में इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करने के संबंध में, क्योंकि दोस्तों 2023 में बन चुकी थी, अब 2024 पूर्ण रूप से बन चुकी है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी दोस्तों भर्ती होने वाली है। तो आज की इन्फॉर्मेशन थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट के साथ। ओके।